बनासकांठा जिलाना कांकरेजमां थरा खाते हरियाणानो एक अस्थिर मगजनो युवक मळी आवता आ युवकनी थराना एक सेवाभावी वेपारी द्वारा मानवतानुं उदाहरण पूरुं पाड़ी आ युवकने हरियाणा खाते तेना परिवार साथे मिलन करावी हतुं। बनासकांठा जिलामां अनेक विस्तारोमां पोताना परिवारथी विखूटा पड़ेला तेमज अस्थिर मगजना युवको तेमज युवतीओ मळी आवे छे अने अनेक सेवाभावी लोको द्वारा आवा लोकोने तेना परिवार साथे मिलन करावामां आवे छे। त्यारे बनासकांठा जिलाना कांकरेदा थरा खाते हरियाणानो एक अस्थिर मगजनो युवक भूलो पड़ता कांकरेदा थरामां आव्यो हतो। त्यारे आ युवकनो एक सेवाभावी वेपारीना संपर्कमां आवता आ युवकनी पूछपरछ दरमियान हरियाणा राज्यनो होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। ત્યારબાદ આ વેપારી દ્વારા માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડી આ અસ્થિર મગજના યુવકને હરિયાણા ખાતે તેના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરી તેના પોતાના પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું હતું। हो और ये जो लड़का है आपको क्या लगता है? ये मेरा भांजा लगता है, नाम इसका गौरव है। मेरा नाम रविंदर है और हम करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। गांव है इसका गोगड़ीपुर, मेरा है पिचोलिया, ठीक है जी। और ये है ना 20 सितंबर को गुम हो गया था, घर से निकल के आ गया था और उसके बाद पता नहीं लगा, घर घर ढूंढा, शहर शहर ढूंढा, मंदिर मस्जिद जगह जगह गए, कहने मतलब होटलों वगैरह में सारों को ट्राई किया, कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमने आज छोड़ दी थी तो हमारे लाला भाई जी ने इनको 5 दिन पहले ही हमारे को मेरे को ही कॉल करी है और मैंने उसी बार से उसी टाइम संपर्क में आने के कारण उसी टाइम मैंने रेल की टिकट करा के मैं इनके पास आ गया हूँ और हम इसको ले कर जा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी भाइयों। बनासकांठा कांकरेज तालुकाना थरा छेल्ला केटलाक समयथी अर्थ पागलनी अंदर मगज अस्थिर होवाना लीधे हरियाणानो एक भाई अहीं थरामां आवी पहोंच्यो हतो अने ज्यां त्यां रोटलो टुकड़ो खाईने तेनी जिंदगी जीवी रह्यो हतो। परंतु अहींना एक स्थानिक एक ठक्कर परिवारना लाला भाई पोते आईने आ दृश्य जोया अने एमने गूगलनी अंदर सर्च मारी अने एमनो क्या क्या गामनो छे, कोण परिवार छे, એની સાથે રહીને સંપર્ક કર્યો અને આજે એ એના પરિવાર અહીંયા આવી પહોંચ્યો છે તેને લેવા। આપણે પહેલાં તો જે લાલાભાઈ છે એમની સાથે વાત કરીશું। લાલાભાઈ શું કહેશો, જે પ્રકારે તમે આ ભરત પાગલની આજ તમે જે ગૂગલ પર સર્ચ મારીને અને એના પરિવારથી મિલન કરાવ્યું, શું કહેવું આપણે? આ છોકરો હોસ્ટેલમાં ગયો હતો એને મેં પૂછ્યું કે બધું કયા ગામનો છે, એને માનસિક ખરાબ હોવા છતાં એને કીધું ગોગડીપુરનો છે, હરિયાણા કરનાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ। મને પૂછ્યું, પછી નેટ ઉપર સર્ચ કર્યું, ત્યાંથી એક મેડિકલ સ્ટોરનો નેટ દ્વારા કોન્ટેક્ટ કર્યો અનિલભાઈ નામ છે, એમને કોન્ટેક્ટ કર્યા પછી એમના ગ્રુપમાં ત્યાંથી એમના મામાના ઘરે ફોટો મોકલ્યો, એમના ગામનો છોકરો હતો તો એમનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, એમના પછી એમના ભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી આપ્યો, મને કોન્ટેક્ટ કરી અને પછી એમનો મેં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કર્યો, એમની સાથે વાત કરી, વાત કરી પછી એમને રોજ સવાર સાંજ ટિફિન જમવાનું ચા નાસ્તો બધું 4 દિવસ રહેતું, પછી એમને કોન્ટેક્ટ કર્યો એમના ભાઈને એમના મામાને, પછી ત્યાંથી મારી જોડે સંપર્કમાં થયા અને પછી ત્યાં રૂબરૂ અહીંયા તેમને લેવા આવ્યા, આજે રોજ તે અહીંયા પહોંચ્યા પાલનપુર આવીને પાલનપુરથી થરા આવ્યા, આજે એમને છોકરો એમનો ભાઈ છે એમને એમને સોંપ્યો છે। તો જે આપણા જે પ્રકારે જે આ ભાઈની જે શોધખોળ થઈ ચૂકી છે, એમના પરિવાર આવ્યા છે, આપણે એમને પરિવાર સાથે પણ આપણે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। आप कहाँ के हो और आपका ये क्या लगता है? मैं हरियाणा से हूँ और ये मेरा भाई लगता है। ये एक्चुअली क्या हुआ था, 20 सितंबर को गुम हो गया था, फिर हमने रिपोर्ट लिखवाई थी तो हमें पाया नहीं था, तो ट्रेन पे ये बांद्रा एक्सप्रेस में यहाँ पर आ गए हैं, फिर उसके बाद ये पालनपुर से यहाँ पर आया तो यहाँ ठक्कर भाई ने हमें कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद पता लगा कि ये यहाँ पर रह रहा है, तो अभी कॉन्टैक्ट किया, अभी लेके जाएंगे इसको, और जो भी हम ठक्कर भाई का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया ताकि और भी जो भी मेंटेलिटी जिनमें नहीं है वो भी आगे आए और उनको भी अपने घर पहुंचा सके। कितने दिन से ये लापता था और आपने पुलिस में रिपोर्ट दिखाई थी क्या? ये 20 सितंबर से घर से गया हुआ था तो हमने फिर 2-3 दिन बाद ही FIR करवा दी थी, उसके बाद ये मिला नहीं था, हमने एक्सपो मिला इसको जहाँ पर ये जाता था वहाँ पर लेकिन ये मिला नहीं, तो अभी मिला है। आप कैसे खुशी व्यक्त कर रहे हैं जो आपका जो भाई मिल गया है, आप कैसे इतने खुश हो? अभी खुशी तो बहुत है क्योंकि 3-4 महीनों से पहले से ढूंढ रहे थे, मम्मी भी परेशान थे बहुत ज़्यादा, जगह जगह पर जाते थे, पुलिस स्टेशन में भी हम बार बार जाते थे, पूछते रहते थे कि मिला कोई एड्रेस, लेकिन कोई भी एड्रेस नहीं मिला,
अभी 3-4 दिन पहले एड्रेस मिला था, फिर अभी लेके जाएंगे। तो तमे आज जो दृश्य छे जे आ मगज ने थोड़ा हिस्से होवाना लीधे कि यार भाई आज मळी आव्यो छे, एमना परिवार साथे पण आज मळी आव्यो छे, એટલે ખાસ તો ધન્યવાદ તો એ કહેવાય છે કે જે થરાના પરિવાર છે લાલાભાઈ ઠક્કરે એમના પરિવારથી મિલન કરાવી ચૂક્યા છે, અને આજે એનો પરિવાર અમને એ ભાઈથી મળી અને આજે એમના વતને લઈ જશે। માનસી ચૌહાણ, ડીકેની ચેનલ, કાંકરી। સારું।